नौवीं क्लास के सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। असी टॉपिक लैके आए हैं 10th चैप्टर 9th क्लास का सर्कल्स यानी कि चक्कर। सब तो पहला यदि इंट्रोडक्शन की होंगी है कि होंगे चक्कर, यदि जी डेफिनेशन है वो की है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट इन अ प्लेन। जिस तरह है साढ़े को फिक्सड पॉइंट है, ठीक है, कोई पी मूविंग पॉइंट है। लोकस का मतलब होंगे जिस पाथ से वो पॉइंट घूमेगा वह पाथ की रस्ता बनेगा। हुण यह जरा मूविंग पॉइंट है इन्हें इस हिसाब न मूव करना कि जिथे भी जाएगा वो तो सेम दूरी पर रहेगा। क्लीयर, वो तो कि सेम डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये सानू पता फिर पी जो सेम जो मूव करेगा इस हिसाब न मूव करना भी पी जरा वो तो हमेशा सेम डिस्टेंस पर रहन दिया। तो पी का फिर पाथ मतलब लोकस की होएगा एक सर्कल होएगा, ठीक है। तो फिक्सड पॉइंट में असं की कहने सेंटर, वो की हो गया साढ़े को सेंटर, पंजाबी चू असी कह लें केंद्र, ठीक है। तो यह जरा फिक्सड डिस्टेंस है, जिस तरह मान लो 5 सेंटीमीटर पी जिथे भी जान दिया वो तो डिस्टेंस वह हमेशा कि रहना 5 सेंटीमीटर रहना। तो फिक्सड डिस्टेंस जोड़ा यानी कि ओ पी ओ की हो गया साढ़े को चक्कर का रेडियस, रेडियस यानी कि अर्धव्यास। क्लीयर, हुण नैक्सट इस नाल रिलेटड सानू पता लग गया चक्कर। हुण यह जिहड़ा सर्कल है ये चक्कर का हो गया इंटीरियर अंदरला भाग, तो यह हो गया एक्सटीरियर, ठीक है। यह हो गया चक्कर का, चक्कर के जिहड़े अंदर है, यह की है चक्कर का इंटीरियर इनर पोर्शन, तो चक्कर के बाहर की हो गया एक्सटीरियर। हुण यह जिहड़ा चक्कर दे आ जिहड़ी लाइन है मतलब बॉर्डर जिहड़ा, ठीक है, इहनू कहिंदे असीं सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि चक्कर का घेरा, यानी कि तीन हिस्से एक चक्कर जिहड़ा है वह की करता है किसी समतल नू प्लेन नू तीन हिस्सों में वंडदा है। पहला इंटीरियर अंदरला भाग, बाहरला भाग, तो एक जिहड़ा है सरकमफ्रेंस, ठीक है, उपर। उस तो बाद साढ़े को जिहड़ा भी सर्कल है जो उत्ते दो बिंदु मैं लावांगा, ठीक है, एक मैं इत्थे लाता एक इत्थे लाता ए बी, तो यह जिहड़ी ए बी लाइन सैगमेंट ये की है कोड, ये साढ़े को हैगी कोड, इनू असीं जीवा कह लें पंजाबी की कहने जीवा, ठीक है। तो यह हुण देखो ए तो लैके बी तक जाण वास्ते मैं ए तो लैके बी तक जाना है, मेरे को तीन रस्ते ने, एक जा तो मैं सीधा अलोंग दिस कोड जावा जीवा थ्रू, दूसरा रस्ता मैं इधरों घूम के जा सकता, तीसरा रस्ता मैं इधरों जा सकता, ठीक है। यह जड़ी है चक्कर का यह हिस्सा इनू केंदे आर्क, हुण यह भी आर्क होगी, जिहड़ी छोटी है वह है साढ़े को माइनर आर्क, तो जिहड़ी वड्डी है साढ़े को मेजर आर्क। क्लीयर, तो आर्क नूं असीं पंजाबी च कह लैने चाप, मेजर आर्क मतलब दीर्घ चाप, तो माइनर आर्क मतलब लघु चाप, ठीक है। हुण जिहड़ा कोड है जे मैं सिंपल ए बी लिखा इहदा मतलब ए बी कोड की गल करदा, जे मैं ए बी दे उत्ते इस तरह का निशान पा दा मतलब फिर ए बी चाप की गल करदा आर्क की। क्लीयर, हुण कोड ने चक्कर के दो हिस्से करते, यह जिहड़ा हिस्सा वड्डा आ ये हो गया मेजर सैगमेंट, मेजर सैगमेंट, तो जिहड़ा छोटा हिस्सा है वह है साढ़े को माइनर सैगमेंट। सैगमेंट का मतलब हुंदा है चक्करखंड, चक्करखंड, ठीक है, यानी कि वड्डा जिहड़ा है यह वाला चाप तो उपरला हिस्सा चक्कर का, ये मेजर सैगमेंट यानी कि दीर्घ चक्करखंड, जिहड़ा छोटा हिस्सा हेठ वाला चाप कोट तो वह की हो गया माइनस सैगमेंट यानी कि लघु चक्करखंड। हुण जिहड़ा जे कोई रेडियस यानी कि अर्धव्यास चक्कर के दो हिस्से करता है, जिस तरह सेंटर है, ठीक है, वो सेंटर है, जदों
एक कोड चक्कर दे दो हिस्से कर दी, वो दोवें हिस्से बनते सैगमेंट चक्करखंड। जो दो अर्धव्यास चक्कर दे दो हिस्से करते हैं यानी कि रेडियस डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, उस उन्हें टू पार्ट्स में असं कहने सैक्टर्स की कहने सैक्टर्स। ए जरा वड्डा ए हो गया मेजर सैक्टर, तो छोटा जड़ा वो हो गया माइनर सैक्टर। ठीक है, तो सैक्टर नूं असीं पंजाबी च कह लैने अर्धव्यासी खंड, अर्धव्यासी खंड। क्लीयर, इनू किन्ने इंग्लिश सैक्टर, जिस तरह पिज़्ज़ा तुसी खाते हो पिज़्ज़े दे सैक्टर्स होंदे ना किन्ने, चार सैक्टर छे सैक्टर, इस करके इस तरह दे सैक्टर होंदे पिज़्ज़े दे। ठीक है, इस करके इनू असीं सैक्टर कहने, पंजाबी च इनू असीं अर्धव्यासी खंड कहने। हुण असीं करदे हां अभ्यास 10.1। फस्ट क्वेश्चन जिहड़ा तुहाडी एक्सरसाइज दा वह हैगा खाली थावां भरो। ठीक है, चक्कर दा केंद्र चक्कर दे डैश विच स्थित हुंदा है, बाहरी भाग या अंदरले भाग? बिल्कुल सही है, अंदरले भाग विच। ठीक है, सानू पता है हुणे तुहानू दस्सिया चक्कर दा जिहड़ा केंद्र है चक्कर दे अंदरले भाग विच हुंदा है। एक बिंदु जिस दी चक्कर दे केंद्र तो दूरी अर्धव्यास नालों वध होवे चक्कर दे डैश भाग विच स्थित हुंदा है। हुण देखो यह साडे को अर्धव्यास ओपी, मान लो यह हैगा 5 सेंटीमीटर। कहिंदा कोई बिंदु जिहदी चक्कर दे केंद्र तो दूरी अर्धव्यास नालों ज़्यादा, अर्धव्यास कितना 5। हुण जे इस बिंदु जिहड़ा बिंदु केंद्र तो 5 सेंटीमीटर तो ज़्यादा दूर है, ओबवियसली वह फिर चक्कर दे बाहर ही होएगा। जिस तरह मान लो ए है, ए जिहड़ा सेंटर तो 7 सेंटीमीटर दूर है, तो जे इस बिंदु की दूरी चक्कर दे अर्धव्यास नालों ज़्यादा आ केंद्र तो, वो जिहड़ा बिंदु है चक्कर दे बाहरी भाग विच स्थित होएगा। ठीक है, बाहरी भाग। चक्कर दी सब तो वड्डी जीवा चक्कर दा डैश हुंदा है। हुण जीवा हुण तुहानूं दस्सिया की हुंदी है जीवा, जदों चक्कर ते असीं 2 पॉइंट लैने सरकमफ्रेंस ते, ठीक है, उन्हां जदों मिलाई दा वह की हो जाते चक्कर दी जीवा। जिस तरह मैं ए पॉइंट लिया तो बी लिया, ए बी की होगी चक्कर दी जीवा यानी कि अर्धव्यास। हुण सब तो वड्डी जीवा, सब तो वड्डी जीवा जिहड़ी हुंदी है वह केंद्र तो हो के जाती है। ठीक है, इस तरह है ए बी की है सब तो वड्डी जीवा यानी कि लार्जेस्ट कोड, तो इनू असी की कहने चक्कर दा डायमीटर यानी कि अर्धव्यास। की हुंदा है? अर्धव्यास डायमीटर, सॉरी व्यास, नोट अर्धव्यास व्यास हुंदा है। अर्धव्यास जिहड़ा रेडियस हुंदा वह तो वधदा है, एक ही हो गया व्यास यानी कि डायमीटर। ठीक है, इत्थे डायमीटर आएगा। एक चाप डैश हुंदा है जदों इस दे सिरे एक व्यास दे सिरे होण। हुण आ जिस तरह व्यास है कहिंदा चाप, चाप की हुंदा है घेरे दा कोई भाग। ठीक है, पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। हुण जे चाप दे सिरे व्यास दे सिरे होण तो चाप फिर की बनाउंदी? अर्ध चक्कर बनाउंदी, अर्ध चक्कर। चक्कर खंड एक चाप अते डैश दे विचला भाग हुंदा है। हुण चक्कर खंड भी दस्या है, चक्कर खंड किहदे विचला भाग हुंदा? चाप अते जीवा। ठीक, एक चक्कर जिस तल विच स्थित है उसनों डैश भागों में वंडदा है, किन्ने भागों में वंडदा है? 3 भागों में वंडदा है, किहड़ा किहड़ा? अंदरला भाग, बाहरी भाग, दे तीसरा घेरा आ गया। ठीक है, चक्कर दा उपरला हिस्सा जिन्हों असीं सरकमफ्रेंस कहने। हुण नैक्सट है साडे को ट्रू फॉल्स यानी कि सच जां झूठ। हुण नैक्सट साडे को सैकेंड क्वेश्चन जिहड़ा सच जां झूठ। ठीक है, अपने उत्तर के कारण विच दसो कि जे झूठ है फॉल्स है तो की रीज़न है इहदा। फस्ट है केंद्र नूं चक्कर उत्ते किसी बिंदु नाल मिलाउण वाला रेखाखंड चक्कर दा अर्धव्यास हुंदा है। चक्कर नूं केंद्र नूं चक्कर उत्ते, हाँ ठीक है, ठीक है, जिस तरह चक्कर है कहिंदा केंद्र नूं चक्कर उत्ते कोई बिंदु स्थित बिंदु, जिस तरह ओ केंद्र है तो पी कोई चक्कर दे बिंदु स्थित है, तो जदों केंद्र नूं असीं चक्कर ते कोई स्थित बिंदु नाल मिलाईए वह कहिंदा है अर्धव्यास, मतलब इह साडे कोल सच है। ठीक है, ट्रू। एक चक्कर विच समान लंबाई दीआं सीमित जीवावां हुंदीआं हन, समान लंबाई बराबर लंबाई
सीमित असीमित हो सकती हैं, ठीक है। जीवावां जिस तरह कहोगे 2 सेंटीमीटर ए भी 2, ठीक है, जिन्नी मर्जी बनाई जाओ, ये साढ़े को फॉल्स हो गया, यानी कि झूठ है। सीमित नहीं होंगे है, असीमित होंगे। जेकर एक चक्कर नू 3 बराबर चापां विच वंड दिता जावे तो हर एक चाप हर एक भाग दीर्घ चाप हुंदी है। चक्कर नू 3 बराबर भागां विच वंड दिता जाए, ये साढ़े को चक्कर 1, 2, 3, ठीक है, आ 3 बराबर विच। हुण ऐ जिहड़ी हर एक चाप है ये की है, दीर्घ लघु चाप है, दीर्घ चाप नहीं, क्योंकि लघु चाप दीर्घ चाप जिहड़ी वो है जिहड़ी अर्ध चक्कर तो ज़्यादा होए, ठीक है। जिस तरह इनू मैं जो प्रोड्यूस करा, ये साढ़े को चक्कर का की हो गया व्यास डायमीटर, तो इतों लैके इनू ए कह दो, बी तो ऐ सी। हुण दीर्घ चाप जिहड़ी ए तो लैके सी तक है, जिहड़ी ए तो लैके बी तक है वह की है अर्ध चक्कर तो घट है, इस इहदा मतलब ए की है लघु चाप माइनर आर्क है, ठीक है। इस तरह बी सी भी माइनर आर्क है, तो ए सी भी माइनर आर्क है। वह कहिंदा दीर्घ हुंदी, दीर्घ नहीं हुंदी, की हुंदी लघु हुंदी, ये भी की हो गया झूठ हो गया, फॉल्स। चक्कर की एक जीवा जिस की लंबाई अर्ध व्यास तो दुगनी होवे, चक्कर का व्यास हुंदी है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अर्ध व्यास तो जिस जीवा की लंबाई अर्ध व्यास तो डबल है, जिस तरह है ए तो लैके ओ तक की है अर्ध व्यास, तो इनू डबल करता वो की हो गया साढ़े को व्यास हो गया। अर्ध व्यासी खंड जीवा संगत चाप दे विच दा खेतर हुंदा है, जीवा संगत चाप नहीं, अर्ध व्यासी खंड जिहड़ा वो अर्ध व्यासा दो अर्ध व्यासा चाप दे विचला खेतर हुंदा है, ये भी की हो गया झूठ हो गया। वो कह रहे हैं जीवा संगत चाप, जीवा नहीं आना इत्थे, क्यों आना है अर दो अर्ध व्यासा संगत चाप। चक्कर एक समतल आकृति है, बिल्कुल सही है, समतल मतलब एक की है प्लेन फिगर है, ठीक है। चक्कर प्लेन फिगर होंगी है, जिहड़े स्फीयर होंदा है गोला वो समतल नहीं होंदे, वो 3 डायमेंशनल फिगर होंदी, क्लीयर। इसी की तुहाडी अभ्यास 10.1। धन्नवाद सारयां दा।